नमस्कार संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे संस्थानों की जो कोचिंग के नाम पे केवल पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। ऐसी अभी हम छात्र से मिलेंगे जो बताएगा अपनी कहानी। तो हम आपको कई बार आगाह कर चुके हैं कि सहरदारा रोड पर ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के सामने संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे कि तिरंगे से रंगी दो बिल्डिंग हैं जो पहचान है संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी की। और कई ऑटो वाले भी आपको भ्रमित कर सकते हैं कि वो कमीशन बेस पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपको वो फ्री में ले जाने का लालच दे रहे हैं तो कृपया वो कभी ना लें और पैसा खर्च करके ही संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी पहुँचे। तो अभी हमारे साथ है हनी। हनी, अपने बारे में बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम हनी बर्नवाल है। ये मेरे पिताजी हैं, ये बिजनेसमैन है, इनका नाम प्रदीप कुमार है। आज इन्हीं की वजह से मैं यहाँ दून डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन कर किया हूँ। आप कहाँ से हैं हनी? मैं बिहार से हूँ, वेस्ट चंपारण जिले से। अच्छा, जैसे भी आपने सोचा कि मैं आर्म फोर्स ज्वाइन करूँ, तो इसके बारे में कैसे पता लगा आपको एनडीए के बारे में? मेरे एक सर थे जो सैनिक स्कूल से रिटायर्ड थे, डीएन पांडे सर, उन्होंने मुझे एनडीए के बारे में बताया और मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ। अच्छा, तो जैसे भी सेना में जाने का आपने सोचा है, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, तो इसमें जैसे जाने के लिए कोई रोल मॉडल आपको नज़र आया या कोई ऐसा लगे कि इसके जैसा बनना है मुझे? मेरे पापा ही मेरे रोल मॉडल हैं सर। पापा ही रोल मॉडल हैं। अच्छा, दून डिफेंस एकेडमी आप आए हैं कोचिंग के लिए, तो दून डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब से देखा था सर, पहले टॉप 5 एनडीए कोचिंग इन देहरादून, जो मेरे डीएन पांडे सर ने बताया था कि देहरादून में बेहतर तैयारी होती है एनडीए के लिए, तो वहाँ से मुझे पता चला और दून डिफेंस एकेडमी वहाँ पर दिखा, तो मैंने वेबसाइट खोला और फिर उसके लिए मैंने ये अप्लाई किया। जैसे आपने और भी नेट पे देखी होंगी एकेडमियाँ, तो आपने दून डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चयन किया, कि क्या ऐसा पैरामीटर था जो आपने इसको चुना? इसका सर रेटिंग अच्छा था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिल्डिंग अच्छा था और यहाँ पे SSB के लिए भी पूरा फुल जगह है सर, इसीलिए मैंने दून डिफेंस एकेडमी। तो जैसे आपने ऑनलाइन से चेक किया, तो जो इंटरनेट पे जो दिखाया गया वो यहाँ आपके ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है या कुछ अलग है? नहीं सर, पूरा वहीं दिख रहा है। तो जैसे भी आप मुझे बता रहे थे कि आप किसी और एकेडमी में गलती से रजिस्ट्रेशन हो गया, वो क्या मामला, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? मैंने सर सर्च किया था जब दून डिफेंस एकेडमी तो पर वेबसाइट में खोला, तो वो सर दून एकेडमी था और उसमें रजिस्टर नाउ का था ऑप्शन था, तो मैंने वहाँ सबसे पहले नंबर वहाँ से निकाला और कॉल किया उसको, तो उसने बोला यहाँ पे संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी कोई है ही नहीं, तो मैंने गलती से उसके पास रजिस्टर कर दिया, लेकिन वो यहाँ स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि कोई वैसे डिफेंस एकेडमी है लेकिन उसका कोई होर्डिंग पोस्टर कुछ है ही नहीं। तो फिर जब आपने पैसे जमा कर दिए तो उस पैसे वापसी मांगने की कुछ बात हुई? नो सर, वो उससे बात हुई तो वो बोला कि आप आइए मेरे पास ज्वाइन कीजिए, मतलब यहीं एडमिशन लिया, यहीं कोचिंग लिया, कोचिंग लिया सर। तो कोई पैसा वापसी नहीं किया उन्होंने? नहीं, नहीं किया। तो जैसा कि बच्चे ने बताया कि यहाँ कई एकेडमियाँ हैं जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे पैसे ले लेती है और वापस नहीं करती, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के प्रांगण में खड़े हैं। सर, जैसा आपका बेटा सेना में जाना चाह रहा है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, तो आपने कुछ सजेस्ट नहीं किया इसको कि भाई पापा बिजनेसमैन है, बिजनेस को कौन संभालेगा? ना ना, सब कोई बिजनेस में नहीं रहेगा, सभी कोई बिजनेस में नहीं रहेगा, इसलिए इसका मन किया तो बोले ठीक है। तो मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट है बेटे को? जी। चलिए, थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।